वालेकुम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी थ्योरीज़ की जो मतलब थ्योरीज़ थी पहले हमने डिस्कस किया था फेमिनिज़म तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्सिज़म तो चलिए शुरू करते हैं मार्क्सिज्म एक एक्चुअली एक थ्योरी थी जो दी गई थी कैपिटलिज़म के अपोज़िट में मतलब जो वो कहते थे ये जो कैपिटलिज़म है ना वो नहीं होनी चाहिए लोग जो हैं वो मार्क्सिज़म को फॉलो करें तो आज हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन मार्क्सिज़म इज़ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी ये एक सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है जो मार्क्सिज़म है इट एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका जो मेन मकसद था वो था कि जो ये इफ़ेक्ट हो रहा है ना कैपिटलिज्म का लेबर पे जो वर्किंग क्लास है उस पर जो मतलब इफेक्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एग्जामिन करना था इट इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी वे आर सोसाइटी हैज़ नो क्लासेस मतलब ये मार्क्सम एक ऐसी थ्योरी थी, थी जिसमें यह कहा गया कि कोई भी क्लास नहीं है मतलब अपर क्लास लोअर क्लास इस कंसेप्ट को ख़त्म किया जाए सोसाइटी हैज़ नो क्लासेस जिसमें कोई क्लास ना हो इसके बाद है मार्क्सिज्म इज़ ए थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सोसाइटी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंज ये एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी, थी जिसमें यही कहा गया था कि सोसाइटीज़ जो हैं वो कैसी होनी चाहिए और कैसे उनमें चेंज लाया जाए ये एक थ्योरी दी दी, दी गई थी मार्क्सिज्म की इसके बाद इसका बैकग्राउंड देखते हैं इसके बैकग्राउंड में ये है मार्क्सिज्म

मतलब उनके एक दोस्त थे फ्रेडरिक उनकी मदद के साथ मतलब उनके साथ मिल के कार्ल मार्क्स ने यह मार्क्सिज्म एक सोसाइटी दी थी मार्क्सिज्म इज़ अ फिलासफी डिवेलप बाय कार्ल मार्क्स इन सेकंड हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के जो सेकेंड हाफ था मतलब एटीन फिफ्टी से ऊपर एटीन फिफ्टी के बाद ये जो मार्क्सिज्म थ्योरी थी ये पेश की गई थी ये वही एक सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी थी इट इज़ मेनली कंसर्नड विद द बैटल बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द ओनरशिप क्लास एंड फेवर कम्यूनिज़म एंड सोशलिज़म ओवर कैपिटलिज़म मतलब वो कहते थे कि ये जो वर्किंग क्लास और ओनरशिप क्लास है ना इनके दरमियान जो मतलब एक डिफरेंस रखा जाता है उसे ख़त्म किया जाए सोसाइटी हैज़ नो क्लासेस मतलब जिस सोसाइटी में कोई क्लास ना हो वो दी जाए इसके बाद ये जो मतलब ये जो सोसाइटी मतलब है ना उसमें आजकल जो चल रहा है मतलब उस टाइम वो कहते थे कैपिटलिज्म तो उसके बरक्स इन्होंने दिया था कम्युनिज्म और सोशलिज्म वो कहते थे कि कम्युनिज्म या सोशलिज्म को अपनाया जाए ना कि कैपिटलिज्म को अपनाया जाए इसके बाद हम इसका देख लेते हैं अच्छा इसके बाद एक मैनिफेस्टो पेश किया था कार्ल मार्क्स ने ना अपने दोस्त के साथ मिलके फ्रेडरिक के साथ ये एक मैनिफेस्टो था दी कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो इसका नाम था दी दैनिफेस्टो ऑफ दी कम्युनिस्ट पार्टी इन एन 1848 पैम्फलेट बाय जर्मन फिलासफर कार्ल मार्क्स एंड फेडरिकिगल मतलब 1848 के पेम्फलेट के अंदर ये एक मैनोफेस्टो पेश किया गया था मेन आर्गूमेंट इन द कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो इज़ दैट क्रिएटिंग वन क्लास ऑफ पीपल वुड एंड द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूस क्लास स्ट्रगल्स एंड साइकल ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन द बर्जुस एंड प्रो लिटरीट क्लासेज विच नैवर लीड टू ट्रू रिफॉर्म वो कहते थे कि एक ऐसी क्लास बनाई जाए जो मतलब जिसमें ये कंसेप्ट ना हो कि बर्जुजेज और प्रो लिटरीट बरजुएज कहते हैं ओनर क्लास को और प्रो लिटरीट कहते हैं जो वर्किंग क्लास होती है जो लेबर होती है उसको तो वो एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जिसमें मतलब ये फ़र्क ना लाया जाए कि वो ऑनर है और ये लेबर है तो ये था कम्युनिस्ट मैनोफेस्टो का जो मेन मतलब आर्गूमेंट थी वो यही थी इसके बाद देख लेते हैं इसके जो प्रिंसिपल हैं इसके चार प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इट प्रोमोट्स द आइडिया दैट लिटरेचर शुड बी द टूल इन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल वो कहते थे कि जो लिटरेचर है ना ये रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के अंदर इसका एक अहम किरदार है उसके बाद ये पॉलिटिकल इन नेचर ये एक पॉलिटिकल था नेचर जो थी इसकी पॉलिटिकल थी इट अटैम्प्ट टू क्लेरिफाई द रिलेशनशिप ऑफ लिटरेरी वर्क टू सोशल रियलिटी। मतलब वो कहते थे जो ये लिटरेरी वर्क है ना इसका सोशल रियलिटी के साथ एक रिलेशनशिप है वो इस सोशल रियलिटी को बयान करती है इट बिलीव दैट लिटरेरी वर्क ऑलवेज हैज रिलेशनशिप टू सोसाइटी वही बात आ गई कि जो लिटरेरी वर्क है उसका हमेशा सोसाइटी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है ये थे इसके प्रिंसिपल इसके बाद इसकी जो डिवीजन की गई वो वही ओनर्स और वर्कर्स ऑल सोसाइटीज़ आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑनर वर्कर्स ओनर्स कौन होते हैं ओनर एक्सप्लेट वर्कर्स एंड लिव ऑफ मनी विच दी वर्कर्स अर्न मतलब ओनर वो होते हैं कि वर्कर काम करते हैं मिसाल के तौर पर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ या फैक्ट्री में चले जाएँ कॉटन फैक्ट्री के अंदर चले जाएँ वो जो मालिक होगा वो सिर्फ बैठा रहेगा वहीं पे और जो बाकी लोग होंगे वो काम करेंगे लेबर काम करेगी वही मतलब जब कपास आएगी उसे उतारेंगे उसके बाद उसके वो गंडे वगैरह बनाते हैं वो बनेंगे फिर उसके बाद धागा बनेगा और सारा काम लेबर करेगी एंड के अंदर जो कमीशन होगा और जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा ओनर के पास लेबर को एक मखसूस किस्म की तनख्वाह दे दी जाएगी वो होते हैं ओनर और जो वर्कर्स होते हैं वर्कर पुट ऑफ इक्वालिटी बिकॉज दे आर ऑबरेस्ट स्लेब्स एंड कॉन्ट फाइट दस्टम वो एक स्लेब्स की तरह होते हैं अब मिसाल तौर तो पर उनको तीस हज़ार पे हायर किया गया है तो उनकी सोच वही पर रह जाती है वो कहते हैं बस महीने के बाद तीस हज़ार आना है तो वो सिस्टम के साथ फ़ाइट भी नहीं कर सकते मतलब वो मालिक को जाके नहीं कह सकते कि हमें बराबर का हिस्सा दिया जाए या हमें तनख्वाह बढ़ाई जाए वो इस बात से भी डरते हैं तो ये की गई डिवीजन इसके बाद वही पहले जो आपको मैंने बताया है जो था वो दी नेम गिवन बाय कार्ल मार्क्स टू द ओनर बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी जो नाम था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था ओनर्स को जो मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी जो ओनर होते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन के और प्रोलेट्रियट जो नाम था वो दिया गया था वर्किंग क्लास को जो वर्कर होते हैं ना सोसाइटी के अंदर उन्हें कार्ल मार्क्स ने नाम दिया था प्रोलिट्रियट इसके बाद देखते हैं है, सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेवोल्यूशन मार्क्स प्रिडिक्टेड दैट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाई कलेक्टिव ओनरशिप फर्स्ट अंडर सोशलिज्म एंड दैन अंडर कम्य इसमें वो ये कहते थे कि जो ये प्राइवेट ओनरशिप है ना इसे रिप्लेस किया जाए कलेक्टिव ओनरशिप के साथ मतलब कलेक्टिव ओनरशिप ये होती है कि एक फैक्ट्री के अंदर जब मतलब प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिवाइड किया जाए वो होती है मतलब एक कलेक्टिव होनी चाहिए जो ओनरशिप है इसके बाद सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इसका देख लेते हैं सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन बट इंडिविजुअल्स में स्टिल ऑन प्रॉपर्टी बोथ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म अपोज कैपिटलिज्म ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म ये अपोजिट हैं कैपिटलिज्म के वो इसे कहते थे कि कैपिटलिज्म ना हो इसमें भी यही जो सोशलिज़म है इसमें भी यही आइडिया है कि जो पब्लिक ओनरशिप है पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए उसके बाद जो इंडिविजुअल है मतलब हर एक बंदा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकता है इसमें ये कहा गया था एन इकोनमिक सिस्टम करेक्टराइज बाय प्राइवेट ओनरशिप एंड अ सिस्टम ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट राइट टू ऑन और ट्रांसफ़र प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कैपिटलिज्म है ना वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर आप प्राइवेट ओनरशिप रख सकते हैं मतलब आप कोई भी फैक्ट्री खोलेंगे कुछ भी खोल सकते हैं बस आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे आप लेबर रखेंगे ये है कैपिटलिज्म ये है जैसे आप देख लें बहुत से ब्रांड बाहर के आ गए हैं के एफ सी हो गया मैकडोनल्ड्स हो गया ये कैपिटलिज्म है सारी मतलब मजदूर जो हैं वो यहीं के रह जाते हैं वहाँ पर उसके बाद आप वहाँ से उन्हें पे करते हैं आप उनसे चीज़ें लेते हैं सारा कुछ लेकिन वो एक जो प्राइवेट ओनर होगा उसका उसके पास सारा प्रॉफिट जाता है ये सारा कैपिटलिज्म है इसके बाद आगे देखते हैं कैपिटलिज्म अब कैपिटलिज्म को देख ले कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट अर्न हाउ मच यू वांट बट पे टैक्स टू गवर्नमेंट कैपिटलिज्म यही है कि आप जितना कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं जो प्राइवेट ओनर होते हैं मतलब प्राइवेट आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन हो गई प्राइवेट फैक्ट्री हो गई कुछ कोई प्राइवेट शॉप हो गई ब्रांड हो गया वो आप खोल सकते हैं लेकिन क्या है आप जितना कमाएं उसमें से आप अपनी मर्जी के पैसे रखेंगे आप अपनी मर्जी की वहाँ पे मतलब उसकी जो है कॉस्ट रखेंगे और आप सिर्फ क्या होगा कि आप गवर्नमेंट को पे करेंगे इतना आपने करना है बस इसके बाद कम्युनिज्म बाय मार्क्स कम्युनिज्म क्या था मार्क्स एड साइन टू तो सोशलिज्म टू तो क्रिएट अ न्यू टर्म कार्ड कम्युनिज्म उन्होंने सोशलिज्म में कुछ चीज़ें ऐड करके कम्युनिज्म को पेश किया बिकॉज इन मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटलिज्म वाज नॉट गुड इन सोसाइटी एंड सोशलिज्म आल्सो हैड अलॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस सो ही क्रिएट कम्युनिज्म मार्क्स ने कहा कि जो कैपिटलिज्म है वो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है और जो सोशलिज्म है उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस हैं तो उन्होंने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके पेश किया सोशलिज्म को जिसको नाम दिया गया था कम्युनिज्म मार्क्स है सोशलिज्म एंड द कंपटीशन इन द मार्केट जो सोशलिज्म था मार्क्स ने कहा कि वो मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उसे वो एंड कर देता है इसके बाद कम्युनिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म अब ये ना बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो मार्क्सिज्म इज़ अ थ्योरी एंड कम्युनिज्म इज़ प्रैक्टिकल इम्प्लीटेशन ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म एक थ्योरी है अगर आप मतलब थ्योरी आपको कहेगा ना कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी थी तो वो आप कहेंगे कि मार्क्सिज्म थी थ्योरी का नाम मार्क्सिज्म है जो कम्युनिज्म है उसकी प्रैक्टिकल इम्पलीट इम्प्लीमेंटेशन है मतलब आप एक सोसाइटी चल रही है मार्क्सिज्म की थ्योरी पर तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनिज्म चल रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कम्युनिज्म इज़ आ रियलाइजेशन ऑफ स्टेट लेथ सोसाइटी वेयर ऑल आर इक्वल एंड मार्क्सिज्म इज़ वन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ विच सच स्टेट इज डिवेलप्ड मतलब कम्युनिज्म जो है वो आप वो सोसाइटी देखेंगे जहाँ पे क्लास class, सारी क्लासेस जो हैं वो बराबर हैं और मार्क्सिज्म एक फ्रेमवर्क है मार्क्सिज्म इज़ अ वे टू विच द वर्ल्ड एंड कम्युनिज़्म ऑन द अदर हैंड इज़ पॉलिटिकल मूवमेंट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कंडीशन ऑफ सोसाइटी यहाँ पर भी वही कह रहा है कि मार्क्सिज्म जो है वो दुनिया को देखने का एक अंदाज एक छुरी थी कि भाई दुनिया के अंदर जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनके अंदर कोई भी क्लास नहीं हो तो कम्युनिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कंडीशन ऑफ़ सोसाइटी एक सोसाइटी की कंडीशन दी जाती है जिसे नाम दिया गया कम्युनिज्म का कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए उसे हम कहेंगे कम्युनिज्म एंड में इसे कंक्लूड करते हैं थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म इज़ एम्ड दैट टू ब्रिंग अबाउट क्लास लेस सोसाइटी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि क्लास लेस सोसाइटी हो उसमें अपर क्लास लोअर क्लास नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन द कामन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो कामन ओनरशिप होनी चाहिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कामन ओन ओनरशिप होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑल दिंगस इक्वली इन आवर सोसाइटी मतलब सारों को इक्वली हर चीज़ मिलनी चाहिए जो आप चीज़ें एक्सचेंज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पूरी सोसाइटी में इक्वल आप करेंगे स्ट्रगल फार पावर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ये एक मतलब इकोनॉमिक के लिहाज से भी सोशल के लिहाज से भी और पॉलिटिकल के लिहाज से एक स्ट्रगल थी पावर के लिए मतलब जो कैपिटलिज्म है उसने आके सारा सोसाइटी को मतलब अपने काबिज़ में लिया हुआ था उन्होंने ये फिर ये एक मार्क्सिज्म थ्योरी पेश की कि इसके मुताबिक जो है सोसाइटी होनी चाहिए तो थैंक यू उम्मीद है आपको समझ आई होगी तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कैपिटलिज्म और या सोशलिज़म को डिस्कस करेंगे तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम साथ, साथ बने रहें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़